सागर गर्ल्स महाविद्यालय की छात्राओं को उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। अब यहां की छात्राएं सभी 15 विषयों में पीएचडी कर सकेंगी, क्योंकि अंग्रेजी और भूगोल के शोध केंद्र स्थापित होने के लिए केवल औपचारिकताएं ही बाकी रह गई हैं। पीएचडी करने के बाद विश्वविद्यालयों में आसानी से असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर या लाइब्रेरियन जैसे पद पर नौकरी पा सकते हैं। गर्ल्स कॉलेज में अभी 60 से ज़्यादा छात्राएं 13 विषयों में पीएचडी कर रही हैं। सागर में शोध केंद्र स्थापित होने की वजह से छात्र साल विश्वविद्यालय जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बता दें कि दूरी ज़्यादा होने की वजह से एमए करने के बाद छात्राएं पढ़ाई को बीच में ही छोड़ देती हैं, लेकिन शोध केंद्र स्थापित होने के बाद नगर में अपनी पढ़ाई को जारी रख सकेंगी। भूगोल विभाग की हेड डॉक्टर रश्मि माथुर ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि हाल ही में यहां पर छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर द्वारा गठित शोध निरीक्षण दल ने यहां के विभागों का अवलोकन किया है और उन्होंने जल्द ही यहां पर केंद्र स्थापित करने का आश्वासन दिया है। जैसा कि विदित है कि लगभग 13 विषयों में हमारे यहाँ जो 15 विषय है उसमें से 13 विषयों में से शोध केंद्र ऑलरेडी यहाँ स्थापित हैं। भूगोल और इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट रह गया था जिसमें अभी शोध केंद्र की स्थापना नहीं हुई, तो इस क्षेत्र में हम लोगों का ये कदम है कि यहाँ पे छात्राएं शोध कर सके, इस हेतु यहाँ से शोध केंद्र की स्थापना के लिए प्रस्ताव भेजा गया था, जिसके अंतर्गत जो है हमारे महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से टीम आई थी, निरीक्षण टीम, जिसमें बहादुर सिंह परमार सर जो वहाँ पर शोध निर्देशक हैं और गूगल विभाग के जो सदस्य हैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर आर एस सिसोदिया जी, अंग्रेजी विभाग से के बी अहरवार सर और हमारे कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय से डॉक्टर संजीव दुबे सर इस समिति में शामिल थे। उन्होंने दोनों विभागों का निरीक्षण किया और निरीक्षण करने के उपरांत सारी व्यवस्थाएं उन्होंने बहुत अच्छी दुरुस्त पाई हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि शीघ्र ही यहाँ पर जो है वो शोध केंद्र स्थापित हो जाएगा। और चूँकि शोध केंद्र स्थापित होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि छत्रसाल यूनिवर्सिटी और छतरपुर इतना दूर पड़ता है छात्राओं के लिए कि वो एमए के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर हो जाती है, क्योंकि उनके पेरेंट्स जो है वो इतनी दूर उनको भेजते नहीं हैं शोध के लिए। तो हमारे सागर नगर में शोध केंद्र होना बहुत आवश्यक है, जिससे छात्राएं शोध कर सकेंगी, पीएचडी कर सकेंगी और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक नए आयाम स्थापित कर सकती हैं और वो बड़ी बड़ी विश्वविद्यालय में जाकर जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर हैं, वो सब बन सकते हैं, जिसके लिए पीएचडी एक मिनिमम योग्यता है कि आप पीएचडी कर लें तो फिर आप इनमें अप्लाई करने के लिए इंटरव्यू देने के पात्र हो जाते हैं। तो हमारा प्रयास यही है कि हाँ सभी छात्राएं जो है वो शोध केंद्र स्थापित होने के बाद यहाँ शोध कर सकते हैं।